हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेलास्मा। मेलास्मा ये ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत लोगों को ये पता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो आज हम देखेंगे इसके कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या है, अदर ट्रीटमेंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेलास्मा जिसे हम जाइया भी बोलते हैं, समस्या ज़्यादातर महिलाओं में दिखती है और कुछ पुरुषों में भी ये कॉमनली दिखता है। मेलास्मा मोस्टली गालों पे, फोरहेड पे, नोज के ब्रिज पे एंड अपर लिप्स पे दिखता है। ये एक स्किन पिगमेंटेशन है जिसकी वजह से चेहरे में ब्राउन ग्रे कलर के पैचेस दिखते हैं, कुछ लोगों में ये काले पैचेस भी दिखते हैं। अब देखते हैं मेलास्मा के क्या क्या कॉजेस है। सबसे पहला कॉज है जेनेटिक, वो आपके परिवार में किसी को अगर मेलास्मा हो तो आपको भी ये होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। थर्ड है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण भी हार्मोन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, इसके कारण भी मेलास्मा। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में भी ये कॉमन दिखता है, मेनोपॉज के बाद भी ये दिख सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद मेलास्मा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रीजन है एलईडी लाइट्स मतलब आपके लैपटॉप, आपके टेलीविजन, मोबाइल्स, इसमें जो एलईडी लाइट्स निकलते हैं ये भी एक मेलास्मा का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है मेकअप, कुछ मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं वो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोटॉक्सिक ड्रग्स, कुछ मेडिसिन होते हैं जो सूर्य प्रकाश के प्रति आपको बहुत संवेदनशील बनाता है। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, थायरेटिक्स, रेटिनॉइड्स, ये सारे मेडिसिन आपको सूर्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाता है। सबसे लास्ट एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो ये सारे हो गए कॉजेस ऑफ मेलास्मा। अब देखते हैं मेलास्मा के टाइप्स कौन से हैं। मेलास्मा के थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है इपिडर्मल, सेकंड है डर्मल मेलास्मा एंड थर्ड है मिक्स्ड मेलास्मा। फर्स्ट पॉइंट है इपिडर्मल मेलास्मा। इपिडर्मल मेलास्मा भूरा कलर का होता है और वो ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स दिखाता है। सेकेंड पॉइंट है डर्मल मेलास्मा, वो हल्का भूरा और नीला कलर का होता है। अब देखते हैं मेलास्मा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सेंट्रोफेशियल, सेकेंड पॉइंट है मेलार मेलास्मा में गालों के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स से अकॉर्डिंग टू उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब हम देखते हैं कि क्या है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रीम्स, हाइड्रोकॉर्टिजोन, एजिलिक एसिड, कोजिक एसिड, नियासिनामाइड, सिस्टिनामाइड, ये सारे मेडिसिंस मेलास्मा के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ बाकी ट्रीटमेंट्स भी है जैसे केमिकल पीलिंग कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, उसके वीडियो मैंने पहले ही डाला है तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। उसका केमिकल पीलिंग के अलावा माइक्रो नीडलिंग भी एक उसकी ट्रीटमेंट है, उसका भी वीडियो मैंने रिसेंटली शेयर किया है। हाइड्राफेशियल भी अगर सुपरफिशियल मेलास्मा है तो वो भी उसमें वर्क करता है। इसलिए ये भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मेलास्मा के लिए। इसके अलावा हेल्दी खाए, भरपूर पानी पिए, स्किन हेल्दी रखने के लिए भी आप अच्छा डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारे टिप्स है मेलास्मा कम करने के लिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।